हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छी चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जी हाँ, रिपोर्ट ऑटोमेशन, काम को कैसे इजिली और फास्ट तरीके से किया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप घंटों का काम या फिर दिनों एक पूरे दिन का काम विद इन सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, जी प्रॉब्लम बताते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है डेटा आता है, एक बहुत सारी जगहों से डेटा हम डाउनलोड करते हैं, तो कुछ इस तरह के फाइल्स होते हैं। अब इसलिए क्या है कि कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ सेल्स हैं। यहाँ सेल्स दिख रहा है और कुछ ऑर्डर्स हैं। पर डेट वाइज है, देख रहे हैं यहाँ पे 2021 फरवरी महीना 02 फरवरी, और यहाँ पे जो 05 है वो आपका डेट है। जी हाँ, ये रहा 2021, ये रहा आपका मंथ और ये आपका रहा डे। तो करेंट सिस्टम डेट से हमारे सारे फाइलों को अरेंज करना है, ताकि हम इसको एक एक करके अपने डेटा को कुलेट कर सके। तो सबसे पहले हमें इसको जो है, क्योंकि हमें ऑर्डर को अलग करना है और सेल्स को अलग करना है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं इसको सेपरेट करना, कि भाई ऑर्डर अलग हो जाए और सेल्स हमारा अलग हो जाए। कैसे? जैसे मैंने मैन्युअली यहां पे किया है, हमने ऑर्डर को ऑर्डर वाले फोल्डर में डाला है और सेल्स को हमने सेल्स वाले फोल्डर में डाला है। तो ये मैनुअल है। अभी एग्जाम्पल के भी तो आपके पास मात्र 15-16 फाइलें हैं, लेकिन 1600 भी हो सकती है, 16000 भी हो सकती है। तो विद इन क्लिक में हम कैसे इसको कॉपी कर सकते हैं, आज की क्लास में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये होगा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से। तो आपको डेवलपर टैब में जाना है और विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, और वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सी चीज मैं बताने वाला हूं। अगर आप बीच में से छोड़ दिए, अधूरा देखें, तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम इस मैक्रो को डिलीट करके एक नया मैक्रो बनाते हैं, सब आरा या फिर कॉपी फाइल FL, ब्रैकेट ओपन क्लोज। नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से आप लोगों को बता दूं कि मेरा मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है। जी हाँ, मोबाइल ऐप मेरा लॉन्च हो गया है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और जस्ट सर्च करना है Excel MIS ट्रेनिंग। जी हाँ, Excel MIS ट्रेनिंग। और जो लोग iOS यूज करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा, उससे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं कि dim fn as a long, नहीं long नहीं, string होगा, माफ कीजिए, टेक्स्ट है ना, फाइल टेक्स्ट होता है ना। और फिर fn इक्वल टू हम देते हैं dir ब्रैकेट ओपन एंड देंगे हम पाथ, जो हमारा फोल्डर का पाथ है जहां से फाइलें चाहिए हमें, हमें इस जहां से डेटा चाहिए। और हम स्लैश और हमने यहां पे दे दिया सेल्स और देन स्टार। तो हमने क्या दिया, सेल्स दिया। सेल्स का चाहिए था सेल्स, तो हमने सेल्स पहले सेल्स ही करते हैं, और इसके बाद इन्वर्टर को क्लोज करते हैं, और यहां पे बोलते हैं भाई नॉर्मल फाइल लो, सिस्टम फाइल हिडन फाइल नहीं लेना है। फिर यहां पे हम देते हैं डू, क्योंकि DIR ने सारे फाइल दे दिए मुझे, लेकिन कॉपी तो 1 by 1 होगी। तो डू व्हाइल यहां पे बोला fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और फिर हमने यहां पे हम दे रहे हैं कि मुझे कॉपी करना है इसमें सेल्स में। हम यहां पे लिखा फाइल, कमांड होता है फाइल कॉपी। फाइल कॉपी को कहां से करना है, कहां करना है, ये रहा कहां करना है सेल्स में, और कहां से करना है तो फाइल नेम। तो जो फाइल नेम है उसको कॉन्केट कर देते हैं fn, क्योंकि फाइल नेम जो है fn, इसलिए हमने इसको कॉन्केट कर दिया। इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं और इसको भी कॉन्केट कर देते हैं फाइल नेम, और फिर वापस fn इक्वल टू dir अगली फाइल को हमने लोड कर दिया fn की मदद से। तो एक हो गई। अब
अब इसी को हम यहाँ की कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इस बार सेल्स के जगह पे ऑर्डर डाल देते हैं। जी हाँ, सेल्स के जगह पे हमारा ऑर्डर हो जाता है और जी हाँ ऑर्डर है, ऑर्डर हो जाता है। और यहां भी जहां हमने ऑर्डर हो गया और यहां भी हम ऑर्डर कर देते हैं, कॉपी होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये सारे फाइलों को कॉपी करेगा, मुझे तो इसमें से सिर्फ इसका डेट चाहिए। जी हाँ, सिर्फ डेट। कैसे करें? तो यहां पे हमें एक इफ कंडीशन लगानी होगी। इफ लेफ्ट एफ एन, और कितना डिजिट लेना है, तो ईयर 2004 और मंथ 6 2008, 8 लेटर को अलग करना है, इज इक्वल टू फॉर्मेट और आज का सिस्टम डेट, और यहां पे वाई 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 एम एम एन डी डी फॉर्मेट। मतलब कि अगर फाइल नेम में आज का आठ पहला 8 करेक्टर आज का डेट है तो ही कॉपी करें, अदरवाइज कॉपी ना करें। बस एक छोटा सा हमने यहां पे लगा देना, इसको कॉपी किया और यहां भी हम सेम लगाते हैं और यहां ऐड, और एक बार मैं इसको रन करता हूं, यहां से भी रन कर सकते हैं या फिर आप रन कर सकते हैं माइक्रोज में, माइक्रोज एंड रन, रन करते हैं आप देखेंगे कि डेटा में आगे ऑटो वाली फाइल आ गई और सेल्स में हमारा सेल्स वाले है ना, कमाल की टॉपिक। तो अब सोचिए कि अगर 1600 फाइल होती तो उसको मैनुअली कॉपी करने में कितना टाइम लगता, और इस 1600 फाइलों की कॉपी करने वाला सिस्टम को हमने कुछ मिनट्स में सॉल्व कर लिए कुछ लाइन की कोडिंग करके। तो यही है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब कुछ लोगों को एक कोडिंग, इस तरह की प्रोग्रामिंग सीखने की जिज्ञासा होगी, तो सीखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप मेरे साथ जूम के जरिए लाइव सीख सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे एक एक घंटे क्लास लीजिए ऑफिस के बाद या ऑफिस से पहले, या फिर आप चाहते हैं रिकॉर्डेड सेशन, तो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं सीखना है, टाइम की कमी है, आप रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है। जी हाँ, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करनी है, और मेरा मोबाइल ऐप जरूरी नहीं कि मोबाइल पे ही चलेगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते होंगे कि सिस्टम का स्क्रीन बड़ा होता है, मोबाइल का छोटा होता है, दिखने में दिक्कत होगी। तो मेरे मोबाइल ऐप को आप अपने सिस्टम पे भी चला सकते हैं, जैसे कि मैं यहां चला रहा हूं। तो आप मेरे मोबाइल ऐप के स्टोर में जाएंगे तो स्टोर में मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसी में से एक कोर्सेज हमारा है वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। जी हाँ, वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, इस पे क्लिक कीजिए। अब इसमें जानिए, इसमें 101 वीडियोज है, 10 5 ईयर का है, तो मैं इसको 10 ईयर कर देता हूं। चलिए मैं इसको 10 ईयर कर दिया, अब जो है 10 सालों की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। जी हाँ, 10 सालों की वैलिडिटी के साथ आप सबको मिल रहा है, तो 10 साल की वैलिडिटी है और इसमें 101 वीडियोज, और ये वीडियोज इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज होते रहता है, बढ़ते रहता है प्रोजेक्ट में। इसकी कंटेंट में जाते हैं तो यहां इसका कंटेंट ये रहा, ऑल वीवीए माइक्रो कोड क्लासेस, इस पर क्लिक करेंगे तो एक आप एक तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन द लर्निंग, माने कि वीवीए को सीखने से पहले इस वीडियो को देखिए ताकि एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए और सीख सके। फिर आपको वापस वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे आते हैं जिसमें 84 वीडियोज है, इसमें माइक्रो इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल कोड सिंथेसिस, एल्गोरिथम, वर्कबुक हैंडल, सीट हैंडल, शीट्स हैंडल, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, देखिए हर क्लासेस के बाद हम प्रोजेक्ट भी देते हैं, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी माइक्रो प्रोग्रामिंग। उसके बाद इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो इसमें आता है आपका रिपोर्ट ऑटोमेशन। जी हाँ, माइक्रो प्रोग्रामिंग के बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन, जिसमें बहुत सारे केसेस हम देते हैं। जैसे 14 वीडियोज है, डैशबोर्ड कंसेप्ट, पिवट टेबल डैशबोर्ड, टीम डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, यहाँ पे सिंपल डैशबोर्ड, पिवट स्लाइसर, मेक के डैशबोर्ड, पिवट टेबल, ऑटोमेट एनिमेशन चार्ट, ऑन डिमांड एक्शंस, डैशबोर्ड चार्ट ऑटो, अपडेट सेल्स, ब्लैंक सेल्स, अपडेट सेंड मेल, क्लोज द फाइल बिफोर क्लोज द फाइल। तो इस तरह के चीजें हैं, इसमें वीडियो स्टिल अपडेट होते रहते हैं। तो आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग आपको 2999 दिख रहा होगा, लेकिन आज चल रहा है इसमें 50% ऑफ, जो कि आपको मिलेगा जस्ट 1499। जी हाँ, 1499 में आप फटाफट इसको परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है मुझे कॉल कर सकते हैं। और आपको लाइव क्लासेस की डेमो चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं। थैंक यू।